पाठ आपको पढ़ाएंगे, कक्षा 10 के बच्चों के लिए सूक्ति सुधा पाठ आपको पढ़ाएंगे। देखिए इसमें पहला श्लोक है सूक्ति सुधा में, सूक्ति सुधन उक्ति सूक्ति दीर्घ संधि है। सूक्ति माने अच्छे कहे गए वचन, सुधा माने अमृत, अच्छे कहे गए वचन रूपी अमृत। इसमें पहला श्लोक है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्माद् अभि सुभाषितम। मतलब भाषासु माने भाषाओं में, माने सभी भाषाओं में प्रमुख और मधुर, दिव्या माने दिव्य, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख, मधुर और दिव्य है। तस्माद् धन ही तस्माद्धि, उससे भी अधिक काव्य उसका मधुर है और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं, माने संस्कृत भाषा के साहित्य में जो अच्छे कहे गए वचन हैं, नीति वचन हैं, सुभाषित हैं, वे उससे भी अधिक मधुर हैं। समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्रमुख, मधुर और दिव्य है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं। दूसरा श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, देखिए अन्वय भी साथ साथ में करते जाइए। अन्वय क्या होता है, जो संस्कृत में लिखे गए श्लोक हैं उनको जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो जिस क्रम से हिंदी में अनुवाद करते हैं उसी क्रम में संस्कृत के शब्दों को रखना अन्वय होता है। जैसे इसमें पहला शब्द है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं हिंदी में पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न माने भोजन और सुभाषित माने अच्छे कहे गए वचन, यही तीन रत्न हैं पृथ्वी पर। तो देखिए इसमें कोई अन्वय में अंतर नहीं है, इसमें जो लिखा है हिंदी में अनुवाद भी उसी क्रम में है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की जाती है, माने जो मूर्ख लोग हैं वो हीरा मोती पन्ना पुखराज इन सब को रत्न कहते हैं, जबकि पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। पृथ्वी पर केवल तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित माने अच्छे कहे गए वचन, परंतु केवल मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की जाती है। तीसरा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब इसमें सबसे पहला हिंदी में आएगा धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का समय कालो, धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, ये अन्वय है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा व्यतीत होता है, माने काव्य और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के साथ उनका समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, और मूर्खों का समय, मूर्खाणाम च और मूर्खों का, व्यसनेन माने बुरी आदतों के द्वारा, निद्रया माने सोने के द्वारा और कलह करने के द्वारा व्यतीत होता है। धीमताम कालो माने बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन करते हुए व्यतीत होता है, परंतु मूर्खों का समय व्यसनेन माने बुरी आदतों के द्वारा, माने जुआ शराब ये सब करना बुरी आदतों के द्वारा, और मूर्खों का समय बुरी आदतों के द्वारा साथ ही सोने के द्वारा कलहेन, या तो वो बुरी संगत में रहते हैं, बुरा कर्म करते हैं, या फिर सोते हैं, या तो फिर झगड़ा करते हैं। चौथा श्लोक देखिए श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः
लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति असाध्वः। माने श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साध्वः, यत्र साध्वः तिष्ठन्ति, यत्र माने जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोकस्तु श्लोकता, माने श्लोक जो है वो यश को प्राप्त करता है, श्लोक यश की प्राप्ति करता है। परंतु यत्र माने जहाँ पर तिष्ठन्ति असाध्वः, तिष्ठन्ति धन असाध्वः, यहाँ पर यण संधि है, तिष्ठन्ति धन असाध्वः, असाध्वः माने दुर्जन लोग, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, जहाँ पर दुर्जन दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है। श्लोक का लकार, लकार माने श्लोक शब्द से ल खत्म हो जाता है, केवल क्या बचेगा, ल हट जाएगा तो केवल शोक बचेगा। लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति, माने वहाँ पर केवल शोक ही रहता है। तिष्ठन्ति धन असाध्वः, त में ई है, ई का य हो गया है, यण संधि है, इको यण से, तिष्ठन्ति असाध्वः, जहाँ पर दुर्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोक का ल लुप्त हो जाता है, अर्थात वहाँ पर केवल शोक ही रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही।